फिल्म, करोड़ फिल्म की स्टार्ट ही अनुराग कश्यप से हो गई, तो इसके लिए पनौती लग गई फिल्म। थाली सजा के मिल गई, खाना नहीं आया आसमान को, क्या आसमान को। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों, कुत्ते फिल्म रिलीज हुई है आसमान, भारद्वाज ने डेब्यू किया है डायरेक्शन में। हमारे साथ में आ गए हमारे एक्सपर्ट्स जिमी एंड केनी, स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। जमनेश नानावती एंड कनक रगानी, यस यस थैंक यू, पूरा नाम लिया है आपका। जिंदे, ये हमारे एंकर, हमारे यूट्यूबर, हमारे कर्ता धर्ता बॉलीवुड प्रेमी के दिग्विजय जिंदे। ओके चलिए, कुत्ते देखिए आपने आज, कैसे लगे आपको? कुत्ते में सिर्फ दो ही कुत्ते थे इस फिल्म में, रियल में भी दो कुत्ते फिल्म में आए हैं जो फिल्म स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, बाकी तो सब कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर सब हरामी टाइप के कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए टाइटल कुत्ते दिया गया है। बट और दो बार किसी ने कैरेक्टर ने मियाओ मियाओ किया है, अच्छा इस तरह। एनीवेज, फिल्म कोई भी स्टोरी के साथ स्टार्ट होती है। इस फिल्म का मैं ना कैरेक्टर बोलूँ तो वो ये है कि लॉजिक की माँ की आँख, ये फिल्म का कैरेक्टर है। स्टार्ट एंड फिल्म की कोई भी स्टार्ट, कोई स्टोरी होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है कन्फ्रंटेशन पे, प्रॉब्लम पे। अगर वो कन्फ्रंटेशन या प्रॉब्लम ही हजम नहीं होता है और एंड क्लाइमेक्स भी आपको हजम नहीं होता तो फिल्म में मज़ा नहीं आता है। ऐसा है, इसके लिए ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा है कि मज़ा नहीं आया, ओवरऑल इम्पैक्ट में मज़ा नहीं आया। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स क्रिस्पी हैं, वन लाइनर्स विशाल भारद्वाज के, लेकिन जो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट वैल्यू, वो उस लेवल तक नहीं लेके गया। ओके, ट्रेलर आपको पसंद आया था आपके साथ? हाँ, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, ट्रेलर क्या दो मिनट में है तो प्रॉमिसिंग लगा था कि बहुत अच्छा, कुछ अलग ही रहेगा। मैं ऐसे भी विशाल भारद्वाज की फिल्म में ऐसे ही रहता है, अलग ही एक माहौल क्रिएट करते हैं। ओके, और कैरेक्टर्स रियल टू रहते हैं, गाली गलौच है, सब है, इस तरह से है। नॉट एन इम्पैक्टफुल फिल्म, माफिया ग्रुप है, नक्सल से और पुलिस, उसके अंदर ही सब स्टोरी घूमती है। ओके ओके, मज़ा नहीं आया देख रहे हैं हम। हमारे एक्सपर्ट केनी को आता हूँ, हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जो है जिमी, आपको कैसी लगी कुत्ते? लॉजिक तो नहीं है फिल्म के अंदर, लॉजिक की माँ की आँख जो बार बार एक डायलॉग रिपीट किया जाता है। ओवरऑल आसमान की पहली फिल्म है बतौर डेब्यू जी, और बोलते हैं सजा की मिल गई थाली, खाने नहीं आया आसमान, थाली सजा के मिल गई, खाना नहीं आया आसमान को, क्या आसमान को। ओके, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर, विशाल भारद्वाज कुछ बड़ा आदमी है एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, तब्बू, अर्जुन कपूर डन अ वेल जॉब, एक्टिंग पसंद आई है उसका, काम अच्छा किया अर्जुन ने, सुन लीजिए सब लोग। ओके, हाँ, और तब्बू ने भी अच्छा किया है। इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है ना, और माइनस पॉइंट है स्क्रीन प्ले। दो घंटे की फिल्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, द पेस ऑफ द स्क्रीन प्ले इज नॉट प्रॉपर इन अ प्रॉपर फ्लो, है ना, बहुत जगह पर ड्रॉप था फिल्म। और पंचीस की सबसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, गाली गलौच ही है, गाली गलौची है। दोस आर कॉल्ड एज पंचेस फॉर द फिल्म। ओके, एडल्ट का सर्टिफिकेट दिया है पिक्चर। हाँ, तो ये सर्टिफाइड है, डेफिनेटली फैमिली के लिए नहीं है ना फिल्म, तो फैमिली तो उनको भी पता है कि फैमिली कट गई। स्क्रीन प्ले में क्या है ना, इट्स शोन इन अ वेरी डिफरेंट वे, स्क्रीन प्ले में अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो करके स्क्रीन प्ले है, मूंग दाल खिला रहे कहीं पे, अलग अलग चैप्टर को अलग अलग नाम दिया गया है, इस तरह से स्क्रीन प्ले बनाया गया है, तीन चैप्टर में पिक्चर को निपटाया गया है। स्क्रीन प्ले टाइट, ओके पैसे भी है, पर वो क्या है ना, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो एक ही 3 करोड़ के इशू पे पूरी फिल्म है। फिल्म का बजट मेरे ख्याल से गूगल पे मैंने चेक किया, किसी में कोई 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, हमने अभी चेक किया तो 80 था, तो 80 करोड़ के अगर मतलब 50 की भी अगर बनी है फिल्म ये, और उसमें जो चोरी दिखाई गई है ये जिसके पीछे ये कुत्ते पड़े हुए हैं, है ना, तो वो 3 करोड़ के पीछे इतनी मार धाड़ तो नहीं होगी ना। 50 करोड़ की पिक्चर बना रहे, 100 करोड़ की तो चोरी दिखाओ, कम से कम उतना तो दिखाओ यार। जो चोरी है वो सिर्फ 3 करोड़ की है, तीन करोड़ और 3 करोड़ के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, सब कुत्ते भाग रहे हैं, कुत्ते कुत्ते कुत्तियां सब है, गोलियां चला रहे हैं, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ओके, है ना, तो 3 करोड़ के लिए 50 करोड़ की फिल्म या 40 करोड़ की फिल्म बेसलेस है। अनुराग कश्यप आया शायद से, इसलिए 3 करोड़ फिल्म की स्टार्ट ही अनुराग कश्यप से हो गई, तो इसके लिए पनौती लग गई फिल्म। मतलब ओवरऑल इट्स नॉट गुड, आपको भी मजा नहीं आया, हमारे केनी को भी मजा नहीं आया। गाने कैसे, गाने जो सॉन्ग्स है ना,
उसमें एक डैन टैनन गाना तो गाना है, वो गाना डाला है भी नहीं पिताजी के पिक्चर से, वो टाइटल कम से कम टाइटल में वो गाना रखना चाहिए था, जो भी प्रमोशन सॉन्ग था वो भी नहीं है, वो भी नहीं रखा नहीं है। बाकी मेरे को लगता है दो गाने हैं बैकग्राउंड वगैरह हैं, दो गाने ही हैं वो ठीक है। एक गाना, हाँ एक मराठी गाना है, वाट लागली मराठी गाना है, चौल में जो सब भाग रहे हैं सेंसलेस भाग रहे हैं चौल में से, झोपड़पट्टी में से एक कैरेक्टर है उसके पीछे, वो बहुत ही बचकाना लग रहा है, यस यस। और म्यूजिक हो गया, ये स्टोरी हो गई। अभी राधिका मदन के बारे में पूछूंगा, कैसी लगी लड़की? नॉट एट ऑल मजा नहीं आया? नहीं, जरा राधिका मदन नॉट अप टू द मार्क, दम नहीं है काम में? नहीं नहीं जरा भी नहीं, ना ग्लैमर है ना अपील है ना, ना परफॉर्मेंस है। एक तो सबसे पहली बात क्या है ना, इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए डायलॉग बोलने की, गालियाँ बोलने की। जब औरतें गाली बोलती है ना, बात इंग्लिश में करते हैं, ट्रेलर लॉन्च में भी आते तो इंग्लिश में बात करते हैं, सब जगह पे इंग्लिश में बात, हिंदी में गाली देंगे कैसे? हाँ वो जो माँ बहन की गाली देना होता है फिल्म के लिए, खास करके जब आप परफॉर्म करते हो तो वो बहुत सरकास्टिक होना चाहिए, नहीं विच इज़ नॉट दैट। ऐसा लगता है कौन बोल रहा है, क्यों अननेसेसरी आप गाली बक रहे हो जब आपके मुंह से सूट नहीं हो रही है, है आप क्या बोलना चाहते? वो जो मिश्रा कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर किया कुमुद मिश्रा ने, हाँ वो हिंदी बोलने वाले हैं और उन्होंने ही अच्छा, उनका अच्छा काम है, परफॉर्मेंस सबका अच्छा है। वो जो विशाल जी के फिल्म में जो राधिका का नहीं है, विशाल जी की फिल्म में जो रहता है अलग अलग कैरेक्टर से, रियलिस्टिक थोड़ा गाली गलोच वाला रूट परफॉर्मेंस जो निकालते हैं, ये सब कैरेक्टर्स क्रूअल्स हैं, हरामी हैं, इसके लिए टाइटल कुत्ते रखा है। करेक्ट ऐसा है। और एक लूट है उसके पीछे, सब भाग रहे हैं वही है बेसिक, और एंड में चॉकलेट अर्जुन कपूर ने सबको चॉकलेट दिया, एंड अर्जुन कपूर ने सबको चॉकलेट खिलाया, कौन सा चॉकलेट खिलाया? अर्जुन ने चॉकलेट खिलाया है, उसके बाद विशाल भारत और आसमान ने भी मिलके एक बहुत बड़ा चॉकलेट खिलाया है इसके अंदर। किसको चॉकलेट खिलाया? ऑडियंस को। ऑडियंस को, तो वो जो वो मतलब नहीं मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, डेफिनेटली नॉट, है ना। तो वो हो सकता है किसी को पसंद आए, कोई गुस्सा करेगा, कोई ये बोलेगा तो ये सेक्युलर सोच लेके चल रहे आप लोग, है ना, तो दिस इज़ नॉट गुड। किसी पब्लिक का हमने सुना कि भाई मैसेज अच्छा नहीं है फिल्म के, जी ऑडियंस के लिए, बरोबर है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट अप टू द मार्क विद स्क्रीन प्ले। स्टोरी बहुत क्लमजी है, 3 चैप्टर में बताई गई है, परफॉर्मेंस ओके है, परफॉर्मेंस वाइज ठीक है ना। ओके चलिए, ऑल काफ़ी डिसअपॉइंटेड रिव्यू आया है हमारे एक्सपर्ट से, 5 में से कितने मिलेंगे कुत्ते को? कुत्ते को मैं दूंगा 2.25 दिया है हमारे केनी ने, एक्सपर्ट केनी ने। जिमी कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? कुत्ते आसमान भारद्वाज ने डेब्यू किया है, थाली में सजा के मिला है, आपने बोला उसको थाली में सजा के मिला है, खा नहीं पाए, तो यही होता है ना, अभी बोलते हैं लोग नेपोटिज्म, है ना, ऐसा होता है। फिल्म इज़ नॉट फॉर फैमिली, एडल्ट फिल्म है कोई, तो उस तरह से अगर थोड़ा और स्क्रिप्ट पे कंटेंट पे काम किया जाता हाँ तो मज़ा आ जाता था। मौका बहुत था इसमें, बहुत अच्छा प्रेमाइज था, बहुत मौका था। लेकिन मैंने बोला ना क्लाइमेक्स अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हजम नहीं हुआ, फिर क्लाइमेक्स भी आप ऐसा रख दिया है कि चॉकलेट जैसा ही है, तो फिर हजम नहीं होता। ओके 5 में से कितने कुत्ते को? 2.5 दो मिले। एवरेज का वर्डिक्ट आया, डिसाइड करिए पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी है, देखते तो बताना कमेंट्स में आपको कुत्ते कैसे लगे। थैंक यू।